दोस्तों, आज के इस वक्त में घूमने का शौक तो हर किसी को है। हर कोई ट्रैवल करना पसंद करता है और कोई कई सारे लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जाना बहुत ही पसंद करते हैं और करे भी क्यों ना। जब आपको धरती पर ही स्वर्ग जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा तो हर कोई हिल स्टेशन तो जाएगा ही। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के टॉप 10 फेमस हिल स्टेशन के बारे में। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करें। नंबर 10, तवांग। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग, जो कि समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तवांग चारों तरफ से खूबसूरत झीलों से घिरा है और बारिश के समय घूमने के लिए लोग जाते हैं। नंबर 9, श्रीलोंग। श्रीलोंग एक बहुत ही छोटा हिल स्टेशन है। श्रीलोंग मेघालय की राजधानी है। इस जगह को आप पैदल भी घूम सकते हैं। यहाँ जगह समुद्र तल से लगभग 1490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का हाथी झरना प्रमुख स्थान में से एक है। यह झरना हाथी के आकार का दिखाई देता है, इस वजह से इसका नाम अंग्रेजी में एलिफेंट फॉल रखा था। नंबर 8, माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। राजस्थान में जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, लेकिन माउंट आबू में तापमान कम रहता है। पहाड़ों से घिरी यहाँ जगह सुंदर मंदिरों से भरा हुआ है। यहाँ हिंदुओं के साथ साथ जैन धर्म का भी पवित्र स्थान है। नंबर 7, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग सुंदर हिल स्टेशन भारत के टॉप हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ उगने वाली चाय दुनिया भर में लोकप्रिय है। नंबर 6, गुलमार्ग, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित गुलमार्ग, जो कि समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर स्कीइंग करने के लिए दूर दूर से आते हैं। नंबर 5, मसूरी, उत्तराखंड। मसूरी ये खूबसूरत हिल स्टेशन भारत के उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गर्मियों के दिनों में यहाँ का मौसम बहुत साफ और सुहाना होता है और सर्दियों में आप यहाँ बर्फ का आनंद ले भी ले सकते हैं। नंबर 4, शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल प्रदेश का छोटा हिल स्टेशन है। इस जगह को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। अंग्रेज अक्सर गर्मियों के दिनों में यहाँ घूमने के लिए आते थे। यहाँ की जगहों से आपको ब्रिटिश समय की झलक दिखाई देती है। सर्दियों के दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ गिरती है और बाकी दिनों में यहाँ का मौसम माहौल काफ़ी ठंडा रहता है। आप हर मौसम में यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है नैनीताल, उत्तराखंड। नैनीताल अपनी सुंदर झीलों के कारण प्रख्यातों में है। नैनीताल चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ लोग ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में जाते हैं और यहाँ गर्मियों के अवसर ठंडा मौसम होता है और सर्दियों में यहाँ बर्फ भी गिरती है। हमारा अगला डेस्टिनेशन है मनाली, हिमाचल प्रदेश। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ जगह ब्यास नदी के किनारे बसी है। लोग हर मौसम में यहाँ जाना पसंद करते हैं। हमारा अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट है लेह लद्दाख। लद्दाख पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बाइक राइडिंग के लिए आते हैं। यहाँ के मठ पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ घूमने लायक जगह 12 किलोमीटर लंबी पेंगोंग लेक, जो कि 43,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जिन लोगों को ट्रैकिंग करते के शौक है, वह चार्टर ट्रैक भी जा सकते हैं। गाइज, आपको प्रकृति से रूबरू होते हुए कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।